आप लोगों के लिए कुछ प्लांटर आइडियाज लेकर आया हूँ जो कम्प्लीटली वेस्ट मटेरियल को यूज करके हम बनाएंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट प्लांटर के लिए अपनी जो हार्पिक की बोतल आती है मैं उसका यूज कर रहा हूँ। एंड सबसे पहले तो मैंने अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लिया एंड इसका स्टिकर भी रिमूव कर दिया। अब ऊपर की तरफ ये वाला हिस्सा हमें इससे कट कर लेना है। इसके बाद आप चाहो तो डायरेक्टली भी इसको डेकोरेट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे इस पे डॉट ड्रा करूँगा, तो जिसके लिए मैं वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ करूँ। एंड सैम्पली कोई भी राउंड चीज़ आप ले लें एंड इस पे डॉट ड्रा करते जाना है। तो पूरे बेस को हमें डॉट से कवर कर देना है। इसके बाद जो इसका केप था वो रेड कलर का अच्छा नहीं दिख रहा था, तो उसे भी मैंने वाइट कलर से पेंट कर दिया। तो अब इसको हैंग करने के लिए ऊपर की तरफ आप कोई भी थ्रेड अटैच कर देना। एंड ये आइडिया आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ये रहा इसका फाइनल लुक। तो अब सेकंड प्लांटर बनाने के लिए मैं यहाँ पे शैम्पू की बोतल का यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी शैम्पू के बोतल का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो स्टिकर आता है उसे हमें रिमूव कर लेना है। स्टिकर रिमूव कर लेने के बाद ये बिल्कुल मतलब प्योर वाइट कलर में था, तो आपके पास जिस भी कलर में शैम्पू की बोतल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस पर एक रैंडमली एक डिज़ाइन बना लूँगा मार्कर की मदद से। एंड सिंपली इस डिज़ाइन को हमें कट करना है। तो कट कर लेने के बाद ये कुछ इस टाइप का हमारे साथ एक बास्केट टाइप का बन जाएगा। तो इसके बाद आप चाहो तो इस पे पेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पेंट नहीं अप्लाई करूंगा क्योंकि ये ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा था एंड बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था कि ये शैम्पू की बोतल है। अब इसको हैंग करने के लिए आप किसी भी थ्रेड का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मछली पकड़ने वाला जो थ्रेड आता है उसका यूज कर रहा हूँ। आप किसी भी थ्रेड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद इस थ्रेड को हमें ऊपर की तरफ हैंग कर देना है। तो रोप अटैच कर लेने के बाद आपको अपने गार्डन में जाना है एंड जहां पर भी आपको ऐसे प्लांट दिखे ना उसको आपने इसमें ग्रो कर लेना है। तो मेरे गार्डन में कुछ ऐसे प्लांट्स मतलब नेचुरली उगे हुए थे, तो मैंने उन्हें वहां से निकाल के इसमें प्लांट कर दिया। एंड इस टाइप के टोटली मेरे पास दो बोतल थे, तो दोनों को मैं इस प्लांटर यूज करने वाला हूँ। एंड ये रहा इसका फाइनल लुक। तो अब थर्ड प्लांटर बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक लोहे का एक स्क्वायर पीस पड़ा हुआ था उसका यूज कर रहा हूँ। बेसिकली जब भी हमारे घरों में कंस्ट्रक्शन होती है तो ऐसी पीसेस बच जाते हैं, तो मैं उसका यूज कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास ऐसा पीस नहीं है तो आप सिंपली किसी भी ओल्ड प्लेट का यूज कर सकते हैं। तो आप अपने किचन में जाइए, जो भी टूटा हुआ या जिस प्लेट में मतलब क्रेक आ जाते हैं वो वाला प्लेट हो तो आप उसे उठा लीजिए। तो उसके चारों तरफ आपको होल करना होगा एंड सिंपली किसी भी थ्रेड को चारों तरफ से उसमें अटैच करना है। तो मैंने इस पीस के चारों तरफ पे मतलब थ्रेड अटैच कर दिया। इसके बाद जो इस थ्रेड की एंड वाला साइड है उसको हमें नॉट बांध के उसे टाई कर लेना है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बना तो हम लेंगे लेकिन इसको हम इस प्लांटर कैसे यूज करेंगे। तो रुको जरा सबर करो मैं बताता हूँ। तो सिंपली आपको इसको अपने गार्डन में कुछ इस तरीके से हैंग कर देना है एंड इसके बाद जो इस टाइप के हमारे साथ प्लांटर आते हैं उसको आप इसमें हैंग कर देना। तो जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कि मैंने एक बेकार से प्लांटर को इसमें हैंग कर दिया। तो हैंग कर लेने के बाद हमारा झूला प्लांटर जो है वो रेडी है एंड ये रहा इसका फाइनल लुक। ये आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
के ये प्लांटर आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।